के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका के चैनल के इस अंक में। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। ब्राह्मणवाद के बयान के बाद सांसद रामस्वरूप शर्मा भी हुए उग्र, कहा सीएम जब भी मंडी आते हैं पत्नी की हार को ही करते हैं याद। हिमाचल की कुल्लू पुलिस ने 11 किलो चरस संग धरा तस्कर, कुल्लू पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। नवाई माता मंदिर में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की उठाई मांग, नवाई माता मंदिर बचाओ ट्रस्ट समिति ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। और डलहौजी खजियार मार्ग यातायात के लिए हुआ बहाल, पर्यटकों और दुकानदारों में दौड़ी खुशी की लहर। सुंदरनगर क्षेत्र के सभी सीनियर सेकेंडरी व हाई स्कूलों की वेबसाइट बुधवार को सुंदरनगर के एसडीएम राजीव कुमार द्वारा लॉन्च की गई। इस अवसर पर शिक्षा विभाग के उपनिदेशक केडी शर्मा तथा डाइट मंडी की प्रिंसिपल हेमंत शर्मा विशेष रूप से मौजूद थे। शिक्षा विभाग के स्थानीय बीआरसी शशि शर्मा ने इस बारे बताते हुए कहा कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सुंदरनगर क्षेत्र के सभी सीनियर सेकेंडरी व हाई स्कूलों की सामूहिक रूप से वेबसाइट लॉन्च करने में ब्लॉक परियोजना अधिकारी महेंद्र ठाकुर का योगदान सराहनीय रहा। इस अवसर पर मुख्य अतिथि एसडीएम राजीव कुमार ने कहा कि इस वेबसाइट के लॉन्च होने से अभिभावकों और विद्यार्थियों को अपने क्रियाकलापों की पूरी जानकारी और संबंधित सूचनाएं एक क्लिक पर उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा विद्यार्थियों द्वारा स्कूलों में प्रदर्शित की गई सांस्कृतिक गतिविधियों, खेलों सहित अन्य कार्यक्रमों के लाइव वीडियो इन साइटों में सभी के लिए उपलब्ध होंगे, जिससे छात्र छात्राओं के हर क्रियाकलाप को उचित मंच मिलेगा और उनको अपनी उपलब्धियों पर गर्व होगा। शिक्षा खंड सुंदरनगर के सभी सीनियर सेकेंडरी स्कूल और हाई स्कूल्स को वेबसाइट के माध्यम से, डायनेमिक वेबसाइट के माध्यम से जोड़ा गया और वेबसाइट्स का लॉन्चिंग किया गया। इससे सारे सुंदरनगर ब्लॉक के जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स और हाई स्कूल्स हैं वो इंटरकनेक्टेड रहेंगे और स्कूल की जानकारी, सभी स्कूलों की जानकारी जो है वेबसाइट पर अपलोड रहेगी और ये अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए भी उपलब्ध रहेगी। इसमें कुछ सूचना जो अभिभावकों से संबंधित है, बच्चों से संबंधित है, उसको स्कूल अभिभावक ही देख पाएंगे और जो बाकी क्रियाकलाप हैं स्कूलों की उपलब्धियां हैं, जैसे खेल गतिविधियां, अच्छे रिजल्ट्स इत्यादि, ये सभी के लिए पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे। ये प्रदेश का अपने आप में पहला काम शिक्षा ब्लॉक से शुरू हुआ है। ब्लॉक परियोजना अधिकारी महेंद्र ठाकुर ने बताया विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम, उनकी उपस्थिति, छात्रवृत्तियां व अन्य सुविधाओं की जानकारी सभी को समय रहते मिलेगी। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। सोलन शहर व आसपास के क्षेत्रों में दिन दिहाड़े घरों से चोरियां होने से लेकर वाहनों की चोरियों के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस छानबीन में जुटी होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। शहर में घरों के ताले तोड़कर लाखों के सामान पर चोरों ने हाथ साफ कर डाला। वहीं दुकानों से भी नकदी और लाखों के कीमत के मोबाइल चोरी हुए हैं। सोलन के समीप बड़ो क्षेत्र सहित आसपास की दो अन्य पंचायतों से पिछले 3 माह में लगभग 7 वाहन चोरी हो चुके हैं। वाहन मालिकों का कहना है कि उन्होंने पुलिस का सहयोग करते हुए बाहरी राज्य चंडी मंदिर बैरियर पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी पुलिस को लाकर दे दी है, जिसमें एक चोर का चेहरा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस वाहनों का अब तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। लोगों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस ने शहर में वाहनों का चलान करने पर जोर दे रखा है, लेकिन चोरों को पकड़ने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। सुरेश कुमार ने बताया कि उन्होंने कुछ दिनों पहले घर के समीप महिंद्रा पिकअप खड़ी की हुई थी, सुबह देखा तो गाड़ी वहां पे नहीं थी। उन्होंने बताया कि उसके 2 दिन बाद ही बड़ोक से 2 पहिया वाहन भी चोरी हुए हैं, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मेरी पिकअप 17/2 को एक चोरी होगी यहाँ बड़ोक सामने हैंडपंप के सामने खड़ी की थी जी, और जिसमें मैंने कंप्लेंट लिखाई है, तो साथ में मेरे
पुलिस विभाग भी और नीचे हमने चंडी मंदिर भी गए, वहाँ टूल प्लाजा पे गाड़ी का वहाँ पता चला कि वहाँ से क्रॉस हुई गाड़ी। ग्रह इससे पहले भी साथ में मेरे अगल बगल में आप देख रहे हो, इनकी एक एक महीने के गैपों में दोनों गाड़ी गुम हुई, बाइक गुम हो रही है। टूल प्लाजा चंडी मंदिर से इसकी गाड़ी की फुटेज मिली है जो पुलिस विभाग को हमने दी है, जिसपे पुलिस उचित कार्रवाई करे जल्दी से जल्दी। कोरो गांव के निवासी दुनीचंद ने बताया कि वह किसान है और दिन रात खेतों में मेहनत कर उन्होंने अपनी महिंद्रा पिकअप खरीदी थी जो कि जनवरी माह में चोरी हो गई। पुलिस ने भी शिकायत दर्ज करवाई है लेकिन अभी तक गाड़ी का कोई सुराग नहीं लगा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से चोरियों पर लगाम लगाने के लिए रात्रि गश्त बढ़ाने की गुहार लगाई है। कोरो पंचायत से बिलोंग करता हूँ, गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ जी। मैंने बहुत मशक्कत से गरीबी रेखा से उठ के और टमाटर सीजन लगा के मैंने अपनी गाड़ी ली थी। कुम्हारहट्टी पोस्ट ऑफिस के सामने मेरी गाड़ी लगी हुई थी रात को, तो वो कोई अज्ञात व्यक्ति उसको चुरा के ले गया और हमने पुलिस में भी रिपोर्ट की है, तो पुलिस से कोई भी अभी तक की कोई कार्रवाई की हो पुलिस ने तो हमारी कुल मिला के तीन गाड़ी है, बड़ोग से नीचे तीन गाड़ी है और पांच छह बाइके, एक जैन गाड़ी खील मोड़ से भी चोरी हुई है। कि जो हमारी पुलिस प्रशासन है ये डेली नाका लगाए और जी हमारे को इसका अच्छा रिजल्ट मिले कि कोई ये जो चोरों का गिरोह है ये पकड़ा जाए। नगाली गांव से दिसंबर 2016 में चोरी हुई एक अन्य महिंद्रा पिकअप के मालिक देवेंद्र कुमार ने बताया कि दिसंबर माह में उनकी गाड़ी भी चोरी करके ले गए थे जिसका आज तक कोई सुराग नहीं लगा है। उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि बाहरी राज्यों की तरह हिमाचल के परमाणु बैरियर पर भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने चाहिए ताकि चोरों पर अंकुश लगाया जा सके। नगाली में अपनी पिकअप खड़ी की और सुबह जब मैं 7:30-8 बजे कहीं जा रहा था, मेरे ब्रदर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पिकअप नहीं पाई। हमने पता किया तो पिकअप कहीं मिली नहीं। फिर उसके बाद हम पुलिस थाना गए सोलन, तो वहाँ FIR लॉज कराई। फिर उन्होंने वहाँ चंडी मंदिर से पता किया बैरियल से, तो मेरी गाड़ी 4:30 पे वहाँ से क्रॉस हो चुकी थी। फिर मुझे पुलिस प्रशासन से पता चला कि मेरे से पहले दो गाड़ी और पहले चोरी हो चुकी है। ये चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन थोड़ा सख्ती से काम ले ताकि हम सभी जितने बंदों की गाड़ियाँ गायब हो रही है दिन प्रतिदिन वो जल्द से जल्द मिले। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल सोलन। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंडी स्थित उपनिदेशक कार्यालय द्वारा पुरानी मंडी के सिद्ध आश्रम में मीडिया कर्मियों के लिए तनावमुक्त जीवन जीने की विधियों पर जानकारी प्रदान करने हेतु दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान पत्रकारों को राहत ध्यान मंदिर के स्वामी शिव द्वारा आध्यात्मिक व वैज्ञानिक विधियों से तनावमुक्त जीवन तथा ध्यान बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंडी स्थित उपनिदेशक कार्यालय द्वारा पुरानी मंडी के सिद्ध आश्रम में मीडिया कर्मियों के लिए तनाव मुक्त जीवन जीने की विधियों पर जानकारी प्रदान करने हेतु दो दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर के दौरान पत्रकारों को राहत ध्यान मंदिर के स्वामी शिव द्वारा आध्यात्मिक व वैज्ञानिक विधियों से तनाव मुक्त जीवन तथा ध्यान बारे विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। शिविर में जिला के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधियों ने भाग लेकर तनाव रहित जीवन जीने की विधियां सीखी तथा ध्यान एवं अध्यात्मक बारे भी ज्ञान प्राप्त किया। राहत ध्यान मंदिर के स्वामी शिव ने कहा कि शारीरिक विधियों का मन पर और मन के विचारों व कल्पनाओं का शरीर पर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक विधियां आत्म साक्षात्कार के लिए ही नहीं अपितु शांति, आनंद, सकारात्मक सोच व ऊर्जावान जीवन के लिए भी उपयोगी हैं। उन्होंने मीडिया कर्मियों से उन्हें बताई गई क्रियाओं को नित्य करने का आह्वान भी किया। रिपोर्टर्स के लिए एक स्ट्रेस रिलीजिंग कोर्स लिया है अभी, जिसमें माइंड और बॉडी को रिलैक्स करने की कुछ टेक्निक्स करवाई हैं और मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस और रिसर्च से जो कुछ टेक्निक्स मैंने डिवाइस की हैं, कुछ टेक्निक्स इकट्ठी की हैं, जो साइको फिजियोलॉजिकल टेक्निक्स हैं जिनको अगर रेगुलरली किया जाए तो स्ट्रेस होगा ही नहीं और एनर्जी लेवल हमेशा ऊपर रहेगा, अप रहेगा। जो कोर्स मैंने इनको करवाया है, अगर ये लोग इसको कंटिन्यू रखते हैं तो इन सबको बहुत फायदा होगा। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की उपनिदेशिका मंजुला कुमारी ने कहा कि पत्रकारों द्वारा पत्रकारिता के क्षेत्र में अपने दायित्व का निर्वहन करने तथा उनकी जीवन शैली में व्यस्तता के चलते शारीरिक थकान व मानसिक तनाव की संभावना रहती है, इसीलिए विभाग द्वारा तनाव मुक्त जीवन तथा ध्यान के लिए विशेषज्ञ द्वारा पत्रकारों को जानकारी देने का प्रयास किया जा रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल इम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलान शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर ना कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल इम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। नवाही माता मंदिर में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग उठाई गई है। मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाने की गुहार लगाई है। बता दें कि मंदिर में फर्जी रसीदें देकर लाखों रुपए हड़पने का मामला सामने आया है। नवाही माता मंदिर में हुए लाखों के घोटाले की जांच काफी धीमी गति से चल रही है और इसी बात से खफा मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के लोगों ने अब अपने आंदोलन को तेज कर दिया है। बता दें कि मंडी जिला के सरकाघाट उपमंडल के तहत आने वाले प्रसिद्ध शक्तिपीठ नवाही माता मंदिर में लाखों के घोटाले का मामला सामने आया है, जिसकी प्रदेश सीआईडी जांच भी कर रही है, लेकिन जांच पड़ताल को भी लंबा समय बिताने और अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी न होने से खफा मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसी बात से खफा स्थानीय लोगों ने नवाही माता मंदिर से लेकर एसटीएम सकाघाट के कार्यालय तक एक मशाल जुलूस निकाला और प्रशासन व सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। एसटीएम सकाघाट के अनुपस्थित होने के कारण इन्होंने तहसीलदार सकाघाट अमर सिंह के माध्यम से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। नवाही माता मंदिर बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ललित जम्बाल ने कहा कि राज्य सरकार के राजस्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर को कई बार इस मामले से अवगत करवाया गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्होंने अब राजस्व मंत्री को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो फिर मंत्री जी का उन्हीं के गृह विधानसभा क्षेत्र में जाकर घेराव किया जाएगा। नवाही मंदिर बचाओ संघर्ष समिति नवाही मंदिर में हुए 10 वर्षों के घोटाले में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की मांग करती है। मंदिर प्रशासन ने 10 सालों में करोड़ों रुपए डका दिया है, मंदिर की जर्जर स्थिति है। अतः नवाही मंदिर बचाओ संघर्ष समिति इसकी सीबीआई जांच की मांग करती है और सीबीआई निदेशक दिल्ली और शिमला को यहां से घपड़े के सारे कागजात सबूत भेजने का काम करेगी। यदि भ्रष्टाचार में संलिप्तों पर कार्रवाई नहीं की गई तो ठाकुर कौल सिंह का उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र में घेराव किया जाएगा। सरकार व प्रशासन से यह मांग करती है कि भ्रष्टाचारियों को तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करें व धर्म के प्रति, नवाही देवी के प्रति जो लोगों में अटूट श्रद्धा है उसको कायम रखने में सरकार अपना सहयोग दे। उल्लेखनीय है कि जब से राज्य सरकार ने नवाही माता मंदिर का अधिग्रहण किया है तभी से ही मंदिर बदहाल होता गया और मंदिर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। उल्टा मंदिर में फर्जी रसीद बुके छापकर चढ़ावे के नाम पर चढ़ी लाखों की राशि का गोलमाल भी कर दिया गया। वर्ष 2008 में मंदिर के खाते में 7 लाख थे, जबकि वर्ष 2016 में मंदिर के पास सिर्फ 10 लाख ही थे। 10 वर्षों में मंदिर में मात्र 3 लाख का चढ़ावा ही चढ़ा, जबकि मंदिर में रोजाना सैकड़ों की संख्या में भक्त आते हैं। वहीं जब इस बारे में तहसीलदार सरकाघाट अमर सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि भाषा एवं संस्कृति विभाग का कोई प्रतिनिधि मंदिर में न होने के कारण तहसीलदार के कर्मचारियों को इसे अतिरिक्त कार्य के रूप में निशुल्क करना पड़ रहा है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि प्रशासन अपने स्तर पर हर संभव जांच कर रहा है। भाषा एवं संस्कृति विभाग की तरफ से कोई भी कर्मचारी अथवा अधिकारी इस देखरेख में नहीं है। हमारे कर्मचारी जो है अपने काम के अतिरिक्त निःशुल्क इस काम को देख रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा ये होता है कि जनता के कार्य भी निपटाने होते हैं, उसके साथ ही इस काम को भी अंजाम देना होता है। ये एस टी एम साहब को सौंप दिया जाएगा, उनके ध्यान में लाया जाएगा। बाकी करने के लिए जितना हमारे स्तर पर होगा हमें भी वो इसकी कंप्लायंस के लिए बोलेंगे, तो उसके अनुसार प्लस जो भी ये नैतिकता बोलती है उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। बता दें कि इस पूरे घोटाले को लेकर हिमाचल प्रदेश का सीआईडी विभाग जांच पड़ताल कर रहा है। मामला भी दर्ज हो चुका है और कुछ अधिकारियों से पूछताछ भी की जा चुकी है, लेकिन जांच में हो रही देरी के कारण मंदिर के साथ जुड़े लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि अब लोग सड़कों पर उतर कर विरोध जताने लग गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। नशे के खिलाफ छेड़े गए अभियान में कुल्लू पुलिस ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है।
कुल्लू पुलिस ने कुल्लू जिला की पार्वती घाटी के जरी में एक नेपाली युवक को 11 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बढ़ रहे नशे के कारोबार में विदेशी लोगों की संलिप्तता लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर 2 विदेशियों से नशे की भारी खेप बरामद की थी और अब कुल्लू पुलिस ने चरस के लिए बदनाम होती जा रही पार्वती घाटी में पुलिस ने चरस की तस्करी कर रहे एक नेपाली युवक को 11 किलो 10 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा है। नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस द्वारा चलाई जा रही मुहिम को एक और कामयाबी मिली है। इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर गिरोह से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पकड़े गए आरोपी नेपाल के अनुसार वे इस चरस को नेपाल से यहां लाए थे। एसपी कुल्लू पदमचंद ने बताया कि पुलिस का एक दल पार्वती घाटी में जरी के जछनी नामक स्थान में नाका पर मौजूद था। उन्होंने बताया कि पुलिस रात के समय आने जाने वाले वाहनों की जांच कर रहे थे। उसी दौरान मणिकर्ण की ओर से एक नेपाली आया जो पुलिस को देखकर घबरा गया। पुलिस ने जब उसे रोकना चाहा तो उसने एक बैग फेंका और मौके से भागने लगा, लेकिन पुलिस ने भी मुस्तैदी से उसे मौके से धर दबोचा। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें 11 किलो 10 ग्राम चरस बरामद की गई। एसपी ने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान रोशन गुरंग निवासी सिक्किम के रूप में हुई है और वो काफी समय से मणिकर्ण घाटी के जरी में रह रहा था। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उसके साथ जुड़े अन्य लोगों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। भुंतर मणिकर्ण रोड पे एक जाचनी नाम की जगह है, वहाँ पे नाका लगा रखा था तो एक शख्स जिसके पीठ पे पिट्ठू बैग था वहाँ से गुजर रहा था और पुलिस को देख के इसने भागने की कोशिश की। पुलिस ने तुरंत शकों ने पे इसे काबू कर दिया और बैग को चेक किया तो चेक करने पर बैग से 11 किलो 10 ग्राम चरस बरामद हुई है और पूछताछ पे इसने अपना नाम रोशन गुरुंग, सन ऑफ महावीर गुरुंग, रेजिडेंट ऑफ लाल बाजार सिक्किम, गंगटोक सिक्किम का ये रहने वाला है। तो इस मामले में हमने थाना भुंतर में FIR नंबर 18/17 अंडर सेक्शन 20 NDPS एक्ट के दर्ज किया है और मामले की छानबीन गहनता से हो रही है। इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस क्या है, ये चरस कहाँ से आई है, कौन कौन इस चरस के धंधे में संलिप्त है, इसकी जांच चल रही है और ये हमारा नशे के खिलाफ अभियान है। और मैं आप लोगों के मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस तरह के धंधे में संलिप्त है वो लोग कानून से नहीं बच पाएंगे। जिस तरह से बात की जा रही है कहीं बाहर से लाई गई है चरस, कुछ ऐसा नहीं, अभी जो प्रिलिमिनरी जो छानबीन है ऐसा मालूम हो रहा है कि ऐसा ये बता रहा है कि शायद नेपाल से लाई और यहाँ पे मलाना करीम के नाम से बेची है। आपको बता दें इससे पहले भी पुलिस ने कुल्लू के नगर में एक अमेरिकन नागरिक से 126 किलो गांजा और 9 लीटर हशीश का नशीला तेल पकड़ा था और साथ ही पुलिस की विशेष टीम ने दिल्ली में रह रहे एक नाइजीरियन से 1.5 किलो हेरोइन भी बरामद की थी। पुलिस ने चरस तस्कर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल कुल्लू। आज के अंक में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के चैनल। ब्राह्मणवाद के बयान के बाद सांसद रामस्वरूप शर्मा भी हुए उग्र, कहा सीएम जब भी मंडी आते हैं पति की हार को ही करते हैं याद। हिमाचल की कुल्लू पुलिस ने 11 किलो चरस संग धरा तस्कर, कुल्लू पुलिस को मिली एक और बड़ी कामयाबी। नवाई माता मंदिर में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की उठाई मांग, नवाई माता मंदिर बचाओ ट्रस्ट समिति ने प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन। और डलहौजी खजियार मार्ग यातायात के लिए हुआ बहाल, पर्यटकों और दुकानदारों में दौड़ी खुशी की लहर।